हेलो फ्रेंड्स, आज जो है स्किपिंग के बेसिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे स्किपिंग की जाती है। नॉर्मल जो है स्किपिंग बहुत ही इजी है करना और सारे लोग ये कर सकते हैं अच्छी फिटनेस के लिए। तो जो मैं आपको बताऊँगी स्किपिंग कैसे करते हैं स्टार्टिंग से मेरे वीडियो से, तो अभी ये देखिए आपको नॉर्मली स्किपिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आपको नॉर्मल डिस्टेंस रखना है पैरों में, जैसे कि ये देख सकते हो आप, और फिर जो आपको जंप करना है वो आपके टोज पे होना चाहिए। तो जो जंप करते हो आप ऐसे टोज पे होना चाहिए, आपको हील नीचे नहीं रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ऐसे हील नीचे नहीं रखनी है। और इसके बाद जो है आपके जो लेग्स है, नीज़ है, इनको आपको थोड़ा बेंड करना है जंप करते वक्त, और टोज़ पे जंप करना है, जैसे कि ये यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे ही आपको जंप करना है नॉर्मली स्किपिंग करते वक्त। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि स्किपिंग कैसे की जाती है, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान में रखने हैं स्किपिंग करते हुए। और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है स्किपिंग के बेनिफिट्स, क्यों करनी चाहिए स्किपिंग, क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किपिंग के, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कुछ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप ज़रूर स्किपिंग करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो स्किपिंग से जो है आपका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि आपके जो बोन की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है स्किपिंग करने से, आपके फुल बॉडी वर्कआउट होता है इससे, जो कि सेकंड बेनिफिट है। आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है क्योंकि फुल बॉडी मूव करती है स्किपिंग में, इसीलिए। जो थर्ड पॉइंट है, जो कि बेनिफिट है, थर्ड बेनिफिट वो है कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी पाती है स्किपिंग करने से। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो फोर्थ पॉइंट है कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है अपनी, जो हार्ट रेट और पल्स रेट होता है, तो वो जो है वो इम्प्रूव करते हैं स्किपिंग से, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जाता है स्किपिंग करने के बाद। और ये बहुत ही अच्छा है कि आपका हार्ट रेट बढ़े और उसके बाद कम हो। और ऐसे ही आप अगर कोई भी वर्कआउट करते हो तो उसमें भी आपको यही दिखेगा, आपका वर्कआउट के बाद हार्ट रेट अप हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो जो फिफ्थ बेनिफिट है स्किपिंग का वो है कि जो आर्म होते हैं, आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ती है स्किपिंग करने से, जो कि है फिफ्थ बेनिफिट, जो कि अच्छा है। आम फिट लगते हैं, ऐसे बल्की नहीं लगता वहाँ पे, जैसे कि फैट्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो स्किपिंग से वो फैट्स कम हो सकते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ बेनिफिट है स्किपिंग का वो है कि आपकी जो लेग्स होते हैं, आपके वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं स्किपिंग करने से, क्योंकि जंपिंग से आपकी जो काफ मसल्स होते हैं, जो हैमस्ट्रिंग होती है, और सारे जो लेग के मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे कि लेग्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों, जो सेवेंथ बेनिफिट है स्किपिंग करने का वो है कि आपके जो बॉडी बैलेंस होता है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है स्किपिंग करने से, क्योंकि आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन विथ लेग होता है, तो फुल बॉडी ब्रेन ऑपरेट करता है और उसकी वजह से आपका जो बैलेंस है वो प्रॉपर हो जाता है। ये थे सारे स्किपिंग के बेनिफिट्स, और इससे भी बहुत ज़्यादा स्किपिंग के बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये थे इम्पॉर्टेंट वाले जो आपको इम्प्रूव करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो ऐसे ही मैं आपके लिए स्पोर्ट्स से, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और तब तक के लिए जय हिंद।